तेरी सोनू तो देखो सर पर चढ़ गई है, कितना बोलती है सामने। इस लड़की ने मेरा दुबई वाला ग्लास का सेट गिरा कर तोड़ दिया और कहती है मैंने ग्लास नहीं तोड़े। माही ने गुस्से में ये बात अपनी देवरानी शिवानी से कही। शिवानी ने कहा, भाभी बच्ची है, अभी गलती हो गई होगी और डरती होगी इसलिए ऐसा कह रही होगी। नहीं शिवानी, इतनी बड़ी गलती हो गई फिर भी ये माफी नहीं मांग रही है, बस रट लगाए रखी है कि उसने कुछ नहीं किया है, झूठ बोलने लगी है। माही गुस्से से बोलने लगी, भाभी आप छोटू को छोड़कर अपने माँ के वहां चले जाते हो, मैं कुछ कहती हूँ क्या? छोटू भी मेरा कितना नुकसान कर देता है, पर मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहती। मेरी सोनू से गलती क्या हो गई, आप तो मुझ पर ही आग बरसाने लगी। शिवानी ने भी जवाब दे दिया, अगर शिवानी तुझे मेरा बेटा इतना ही खटकता है तो मुझे बताना था, और खुद को इसकी छोटी माँ कहती हो, इतना जहर उगल दिया तूने। माही भी अभिमान से बोली। तब छोटू रोने लगा, चिवू माँ मुझे आपके पास आना है। 3 साल का छोटू शिवानी को चिवू के नाम से बुलाता था। तब माही छोटू को डांटने लगी, खबरदार जो शिवानी के पास जाने की रट लगाई, बड़ा आया चिवू का दुलारा, जा अपने खिलौने से खेल, और एक चाटा लगा दिया। और फिर माही रोने लगी। ये सब कुछ 1 घंटे तक चला। अंत में दोनों अपने कमरे में चली गई। पूरा दिन चला गया पर किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। पर बच्चों का क्या है, वो तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। 10 मिनट में ही एक साथ खेलने लगे। देवरानी जेठानी ने बहुत कोशिश की पर वो बच्चों को साथ खेलने से रोक नहीं पाई। रोते हुए माही ने अपनी माँ को फोन किया और अपनी भड़ास निकालने लगी। तब माँ ने कहा, माही तुम ही कहती हो ना कि तेरा बेटा शिवानी के पास ज्यादा रहता है, पापा की तबीयत के कारण तुम यहाँ आती जाती रहती हो, तो वो ही तुम्हारे बच्चों को संभालती है। तुम ही तो कहती थी कि तुझे सोनू जैसी बच्ची चाहिए, आज उसी सोनू ने शैतानी की तो तूने उसकी माँ को भला बुरा सुना दिया। छोटू तो कितना शैतान है, कभी शिवानी ने तुझसे शिकायत नहीं की, उसने तुझे बोला पर तूने भी उसे कितना सुना दिया, एक बार में शिवानी के सारी अच्छाई को भूल गई। तब ही छोटू ने माही से कहा, मम्मा मैंने चिवू का ग्लास तोड़ा, सॉरी। माही को पता चला कि सोनू ठीक कह रही थी, गलती तो छोटू की थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी देवरानी के पास चली गई। देवरानी ने कहा, अब क्या कर दिया सोनू ने? माही बोली, मुझे माफ कर दे शिवानी, अभी अभी छोटू ने कहा कि ग्लास उससे टूटा है, सोनू की कोई गलती नहीं है। सोनू को चुम्मी लगाते हुए कहा। शिवानी भी रोने लगी और कहा, भाभी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी न जाने क्या क्या कह दिया आपको, हम तो बहने हैं और एक दिन के झगड़े में प्यार कम तो नहीं हो जाता। माही ने हंसते हुए कहा, जा छोटू को देख कब का चिवू चिवू रट लगा रहा है, तू ही संभाल मेरे शैतान को। उसके बाद देवरानी जेठानी ने समोसे मंगवाए और चाय के साथ मजे से खाने लगी। दोस्तों हमेशा एक कड़वी बात 100 अच्छी बातों पर हावी हो जाती है, इसी तरह एक माफी भी 100 गलतियों को माफ करने की ताकत रखती है। एक पहल करने से कई रिश्ते बच जाते हैं। दिल हमेशा बड़ा रखना चाहिए, चाहे व्यक्ति हमसे बड़ा हो या छोटा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।